आदाब सामईन, आज हम बात करेंगे तेलंगाना में रेसिडेंशियल स्कूल्स में जो तखर्रुत होने जा रहे हैं उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। 9,231 पोस्ट के लिए जो नोटिफिकेशन आया है उसमें अलग अलग 9 कैटेगरीज हैं। सबसे ज़्यादा TGT ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स के 4,000 पोस्ट हैं, जिसके लिए ट्रेन टीचर्स यानी जिन्होंने BA, BCom, BSc के साथ BEd किया है और टेट क्वालिफाई किया है वो इसको एलिजिबल है। अब DSc नहीं होना, बल्कि लोग जो DSc के मुंतजिम थे वो डायरेक्ट गुरुकुल के जो तेलंगाना के रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं उनके लिए अलग से रिक्रूटमेंट बोर्ड बनाया गया है। तेलंगाना रेसिडेंशियल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रिक्रूटमेंट बोर्ड, जिसके तहत सोशल वेलफेयर रेसिडेंशियल स्कूल, BC वेलफेयर रेसिडेंशियल स्कूल और टेम्बरीज जो तेलंगाना के माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं, इसके भी अपॉइंटमेंट इसी इम्तिहान के जरिए होंगे। अब एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, एक खुश बेहतरीन या खुशखबरी है कि आप जो मुंतजिर थे गवर्नमेंट जॉब के वो पूरी तैयारी के साथ झुक जाएं, ख़ास तौर पर BEd जिन्होंने किया है, जिन्होंने टेट क्वालिफाई किया है, टेट में पेपर 1 हो, पेपर 2 हो या CTET हो, तमाम लोग इसके लिए अहल हैं, वो फॉर्म अप्लाई करें। अब जो नोटिफिकेशन आया उसके साथ ही 12 अप्रैल से OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हो चुका है, यानी पहले आपको इस वेबसाइट पर आपकी अपनी पूरी इंफॉर्मेशन देते हुए वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसके आपको अलग ऑनलाइन अप्लाई करना है। हर एक का एक नोटिफिकेशन नंबर है, जैसे TGT का अलग है, PGT पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स का अलग है, JL जूनियर लेक्चरर का अलग है, डिग्री लेक्चरर्स का अलग है, लाइब्रेरियन का अलग है, म्यूजिक डायरेक्टर का अलग है और फिजिकल डायरेक्टर या PET का अलग है। इस तरीके से नोटिफिकेशन उसका डिटेल इंफॉर्मेशन पूरा वेबसाइट पर चेक कर लें। तेलंगाना स्टेट रेसिडेंशियल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिक्रूटमेंट बोर्ड का जो डिटेल वेबसाइट है उसी पर हर एक का नोटिफिकेशन रहेगा। नोटिफिकेशन में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तालीमी काबिलियत, एज लिमिट, सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट के आप एलिजिबल हैं, कितने पोस्ट हैं, पहले पूरे मुतमइन हो जाएं, उसके बाद आगे जाएं। आमतौर पर यह देखा जाता है कि लोग या तो BEd करते हैं, DSc का मुंतजर होते हैं, या टेट क्वालिफाई करते हैं, या सिर्फ टेट का इंतज़ार करते हैं। टेट दरअसल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2010 में इंट्रोड्यूस किया था कि बच्चों को टेट क्वालिफाई करना है। टेट सिर्फ एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जो बच्चे टेट क्वालिफाई होंगे वही जब कभी टीचर्स का रिक्रूटमेंट होगा वो उसके एलिजिबल होंगे। लिहाजा जिन्होंने टेट पास किया था वो अब एलिजिबल हैं। इब्तदा में इसकी वैलिडिटी सिर्फ 7 ईयर थी, लेकिन अब लाइफ वैलिडिटी है। आप किसी भी ईयर में टेट पास कर चुके हैं तो अब वो आप बता सकते हैं टेट की कोई वैलिडिटी नहीं, बल्कि लाइफ वैलिडिटी कर दी गई है। टेट अगर आप 2016 में पास किए हैं, 18 में पास किए हैं, तब भी आप बता सकते हैं। और CTET जो CBSE के तहत नेशनल लेवल पर हर 6 महीने में एक बार होता है वो भी आप इसमें एलिजिबल हैं। अब यहाँ हम हायरिंग से ये पुरजोर अपील करते हैं कि इस सुनहरी मौके को जाने न दें। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट जॉब आना, गवर्नमेंट जॉब हासिल करना। अब आपको DSc का इंतज़ार करना, दूसरे किसी और का इंतज़ार करना या TSPSC का इंतज़ार करना नहीं, बल्कि अब जो नोटिफिकेशन आया है उसमें डिटेल दे दिया गया, उसके मुताबिक देखें कि कंप्लीट सिलेबस भी है, जैसे ग्रुप 4 का, ग्रुप 2 का था वैसे ही सिलेबस है। पेपर 1 कामन है, स्क्रीन टेस्ट में सिर्फ आपको एक टीचर का सब्जेक्ट अलग है, फिर पेपर 2 जो रहता है वो आपके अपने सब्जेक्ट का है। जैसे कोई इंग्लिश टीचर है, कोई मैथ्स टीचर है, कोई साइंस टीचर है, उसको उसके अपने सब्जेक्ट का देना होगा। तो लिहाजा आप अपनी काबिलियत देखें, BEd में आपकी मेथोडोलॉजी क्या थी, क्या आपने मैथ से किया, क्या सोशल से किया, आप किसको एलिजिबल हैं। वैसे ही PGT है, पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेन है, आप MA इकोनॉमिक है तो आप MA इकोनॉमिक को अप्लाई कर सकते हैं एज ए इकोनॉमिक जूनियर लेक्चरर या डिग्री लेक्चरर का। तो लिहाजा यहाँ पर टीचर्स में TGT भी है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स भी है, जूनियर लेक्चरर्स है, डिग्री लेक्चरर्स है। इस तरीके से टीचर्स के इतनी बड़ी तादाद के जो आया है, अब आपको मज़ीद इंतज़ार करना नहीं, OTR पर जाइए,
पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाइए, सिलेबस निकाल कर तैयारी शुरू कर दीजिए। इदारे सियासत के तहत भी रोज़ाना हम तो रहनुमाई करते हैं, लेकिन कोचिंग में जाएंगे, नोट भी प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको जितनी चीज़ें मिल सकती है पूरी पूरी कीजिए। अब मजीद DSE का या किसी का इंतज़ार ना करें, बल्कि गुरुकुला जिसको रेसिडेंसी स्कूल कहते हैं वो पूरे अपॉइंटमेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। ये गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट जॉब है, आउटसोर्सिंग या आपको अडॉप बेस पर नहीं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि परमानेंट जॉब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का है, इसीलिए आपको इम्तिहान लिखना है। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, रिजर्वेशन स्कूलों के लिए भी हैं, जहाँ पर मुस्लिम को 4% रिजर्वेशन है वहीं पर माइनॉरिटी कॉलेजेस में तुलबा की जितनी तादाद है उतनी तादाद में तुलबा नहीं आ रहे हैं या फिर वो आउटसोर्सिंग में है। ये जो रिक्रूटमेंट है ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट परमानेंट पोस्ट का है। तो लिहाजा मैं BEd और PGTED जो किए हैं और जो लैंग्वेज पंडित किए हैं तमाम से ख्वाहिश करता हूँ कि वो पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाएं, फिर अपनी आलियत को देखते हुए अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद तैयारी करें, आपको बेशुमार मवाद भी मिलेगा, कोचिंग भी मिलेगी और आपकी अपनी सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा मायने रखेगी।